क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही ना दे? अपनी माँ की तरह जानवी कपूर भी कमाल कर पाएंगी? क्या अनिल कपूर है मजबूर? नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। इस उम्र में भी यंग दिखने वाले बॉलीवुड के एवरग्रीन सुपरस्टार अनिल कपूर ने अपने फिल्मी करियर में काफी सुपरहिट फिल्में दी हैं, पर उनके करियर को चार चांद लगाने का क्रेडिट एक जादुई घड़ी को जाता है। अब आप सोचेंगे कि जादुई घड़ी का मतलब कि उनकी फिल्म मिस्टर इंडिया, जिसमें वो घड़ी पहनकर गायब होते थे। मिस्टर इंडिया सच में एक आइकॉनिक फिल्म है जिसमें अनिल कपूर ने तो अपना जलवा दिखाया, पर उनके साथ श्रीदेवी और अमरीश पुरी ने भी काफी धूम मचाई थी। एक मिस्टर इंडिया, दूसरी हवा हवाई और तीसरा मोगैम्बो, ये फिल्म आज भी अगर हम देखें तब भी उतनी ही एक्साइटमेंट बनी रहती है, पर अगर इस फिल्म का सीक्वल बनाया जाए तब एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाएगी। और वैसे भी आइकॉनिक फिल्मों के सीक्वल बनाने की बॉलीवुड की हॉबी बन चुकी है। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अली अब्बास जफर। अली अपने करियर में काफी सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस सबका कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। इस फिल्म की चर्चा में ये सामने आया है कि ये एक साईफाई फिल्म बनने वाली है। उस जमाने की टेक्निक्स के अनुसार मिस्टर इंडिया बनी, पर अब टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। दमदार विजुअल क्वालिटी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सारी फिल्मों को शानदार तरीके से पेश किया जाता है जो ऑडियंस को एंगेज रखता है। इस बार कौन सा डिवाइस यूज होगा ये तो पता नहीं, पर सुपर पावर्स जरूर होंगे जिसकी वजह से दुश्मनों के पसीने छूटने वाले हैं और सुपर पावर्स की तलाश में काफी धमाल करने वाले हैं। वैसे सुपर पावर्स में क्रिश 4 भी पीछे नहीं है। कुछ खबरों के अनुसार क्रिश 4 रिलीज होने को है। कई लोगों का मानना है कि बॉलीवुड में इन दिनों एक्शन फिल्मों का ही ट्रेंड चल रहा है, ऐसे में कुछ अलग देखना अच्छा होगा। पर साईफाई फिल्मों में भी अगर डायरेक्टर घुमा फिराकर वही कहानी एक अलग रूप में दिखाने की कोशिश करे तो वो काफी बोरिंग होता है, क्योंकि ऐसी फिल्मों में ऑडियंस को एंगेज रखना काफी जरूरी है। अगर वो कहानी में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर वो बोर हो जाएंगे और इसलिए उन्हें रिपीटेड चीजें दिखाना गलत होगा। क्रिश 4 के बाद मिस्टर इंडिया 2 आएगी, अगर उसमें भी कोई सिमिलैरिटीज नजर आए तो फिर ऑडियंस का मन ही उड़ जाएगा। खैर, अगर अनिल कपूर इस फिल्म का हिस्सा बनेंगे तो वो जरूर कुछ अलग दिखाने की कोशिश करेंगे। हमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके भाई बोनी कपूर ने जी स्टूडियोज को फिल्म के राइट्स बेच दिए हैं और ये उन्हें बताया भी नहीं था, इसलिए वो फिल्म में कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं ये थोड़ा बताना मुश्किल है। पर जैसे कि वो जानते हैं कि ऑडियंस उन्हें इस फिल्म में देखना चाहती है और जितना प्यार उन्हें मिस्टर इंडिया फिल्म में मिला है वो अपनी ऑडियंस को नाराज नहीं करना चाहेंगे, इसलिए शायद वो मजबूर दिख रहे हैं। क्या होगा पता नहीं, पर अनिल के साथ साथ जानवी कपूर भी फिल्म का हिस्सा बनेंगी ये खबरें आ रही हैं। अब जानवी का नाम सामने आने के बाद नजरों के सामने आती हैं श्रीदेवी, वो हवा हवाई जिसने अपनी ब्यूटी और दमदार टैलेंट से दर्शकों को अपना बनाया था। जानवी भी अपनी माँ की कॉपी हैं। उन्होंने भी अपनी फिल्मों में काफी अच्छे रोल किए हैं और उन्हें पता है कि ये उसके करियर के लिए काफी इम्पोर्टेंट फिल्म है जिसमें उनका काम नोटिस किया जाएगा और बार बार श्रीदेवी से कंपेयर किया जाएगा, इसलिए वो अपना बेस्ट जरूर देंगी ऐसा भी लग रहा है। अली अब्बास के दिमाग में क्या आइडिया है और क्या वो हॉलीवुड से भी दमदार फिल्म बनाएंगे ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। क्या जानवी श्रीदेवी का किरदार रिक्रिएट कर पाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हमारी आज की राइटर है तृप्ति।